वालेकुम नानो के दस्तखान से प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार एक बिस्किट बनाना सिखा रही हूँ। तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, कुछ चीज़ें कम थी तो मैं इसका वेट कर रही थी। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं वो आपको बता रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा। 1 कप मैदा मतलब मैं ये प्याले से मेजरमेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं 1 कप मैदा ले लिया। चले, ये हो गया। अब इसमें 1 कप सूजी, 1 कप थोड़ी सी मैदे से कम होगी, ठीक है। ये देखिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे 1 कप खोपरा चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये प्याले से मेजरमेंट रखी है, वो नज़र सा एक कप मैदा, 1 कप सूजी, सूजी 1 कप से थोड़ी कम, खोपरा भी 1 कप से थोड़ा कम, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी 1 कप। चीनी बराबर की जाती है मिठास के लिए हमेशा। देखिए कितना मैदा लिया था, सूजी डाल दूंगी। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून तिल लूंगी। ये देखिए, 1, 2, 3, 4। ये हो गया। अब इसको मैं 1/2 मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये सोडा है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया 1/2। अब मैं इसमें 1/2 कप इसमें घी डालूंगी। ये देखिए, अब इसको मैं दूध से गूंदूंगी खूब अच्छे से मिक्स करके। अब ये देखिए, इसमें मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने 3-4 इलायची को तोड़ के उसके दाने डाल दिए मैंने इसमें उसकी खुशबू के लिए। और सबको बहुत अच्छे से सूजी, मैदा, खोपरा, चीनी सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तिल। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के गूंदूंगी क्योंकि ये दूध से गूंदा जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको बताती हूँ मैं किस शेप में बनाती हूँ। देखिए, ये मैंने दूध के साथ ऐसे गूंद लिया है। ऐसा गूंदना है इसको कि जब मैं हाथों से इसकी बिस्किट बनाऊंगी, मैं इसको कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह से गूंदना है, बहुत गीला नहीं करना है, बहुत हार्ड भी नहीं करना है। देखिए ये कितना अच्छा मिक्स हो गया ना, ताकि इसको इससे आप आजमा लीजिएगा कि जब ये हाथों से इस तरह से बन जाए, जैसे मैंने ये बना के देखे रखे हैं, ये इस तरह से हाथों से बनाना। मुझे कोई सी कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी, मैं अपने हाथों से हर शेप दूंगी, हर तरह के शेप का मैं बिस्किट बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से शेप डाल के अभी फ्राई कर रही हूँ। जब फ्राई हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस शेप में बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बिस्किट्स हैं। घर में कभी शाम को दिल चाहता घर के बने हुए बिस्किट वगैरह खाए इंसान, तो ऐसे बनाइए ज़रूर और बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएगा। और फिर वही कहूँगी, बहुत दिल से बहुत खुशी से चीज़ें बनाएंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। मैंने ये बिस्किट्स बनाए हैं हाथों की मुट्ठियों से बनाया है, मैंने ये शेप दिया। आधा मैंने फ्राई किया, आधा मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। तो ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए ज़रूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और बहुत ही मजीज, और जैसे अंदर से बिस्किट नहीं होता उस तरह का ये बना है, इसका टेस्ट भी वैसे ही है। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।